कहते हैं मुंबई सुरक्षित है, कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोती। भारत और मुंबई की तारीफ में क्या कुछ नहीं कहा जाता। आपने भारत में अतिथि देवो भवो का नारा सुना होगा जो अक्सर दिया जाता है, लेकिन मुंबई में मेहमान बनकर आई कोरियन महिला ब्लॉगर से मुंबई की सड़क पर छेड़छाड़ की गई। What the fuck? Time to go home. Hi, bye bye. Oh, bye bye. No. It's okay. My, it's all over there. Jason? Huh? Jason? Yeah, my house this is there. No. Home over there. Okay. Bye. छेड़खानी उस मेहमान से की गई जो ब्लॉगर है और भारत की संस्कृति की झलक देखने मुंबई आई थी। ये छेड़खानी की तस्वीर को देखकर मुंबई नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ। गे कोरियन ब्लॉगर है जो मुंबई घूमने आई, जिसके साथ छेड़खानी सड़क पर की गई, बदसलूकी की गई और कोरियन ब्लॉगर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। भारत में अतिथि देवो भवे के शब्द को सुनकर ये कोरियन महिला जरूर भारत आई होगी। इस महिला ने भारत के संस्कृति के बारे में सुना होगा, इसलिए इतनी लंबी दूरी तय कर मुंबई महानगरी घूमने आई और यहां आकर इस कोरियन यूट्यूबर ने लाइव वीडियो बनाया। लेकिन इस बीच एक लड़का युवती से छेड़छाड़ करता है, युवती उससे बचने की कोशिश करती है और ये सब कुछ लाइव हो रहा था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुंबई पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक का नाम 19 साल का मोबिन चांद और दूसरे का नाम 20 साल के मोहम्मद नकीब अंसारी के तौर पर हुआ। मुंबई पुलिस ने दोनों को 36 घंटे में गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ दो युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें FIR दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही। लेकिन सोचिए, इतनी लंबी दूरी तय कर कोरियन लड़की ने भारत की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की, लेकिन आप खुद सोचिए जब वो वापस जाएगी तो भारत की क्या छवि लेकर अपने देश लौटेगी। इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार किया है, जहां कोरियन यूट्यूबर मुंबई घूमने आई थी और उस बीच होटल जाते वक्त उसके साथ ये छेड़छाड़ होती है और वीडियो वायरल हो गया है।